ओ हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो मैं अपना मेकअप करने जा रही थी एंड बहुत दिनों से हम साथ में तैयार नहीं हुए हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ तैयार हो जाए और मेकअप करें, बहुत मज़ा आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विथ माई बेस एंड फॉर दैट आई एम गोना यूज़ फॉक्स टेल्स रिच मॉइस्चर क्रीम। तो इसे मैं खूब अच्छी तरह से मेरे स्किन के अंदर लगाऊंगी, ऑल ओवर माई फेस एंड डू नॉट फॉरगेट योर नेक एरिया। और आज मैं बहुत ही बोल्ड ड्रामेटिक टाइप कलरफुल मेकअप करने वाली हूँ। माई आईज विल बी लाइक रियली कलरफुल एंड बहुत ड्रामेटिक होगा। ओके, सो मैं कलर करेक्टिंग कर रही हूँ एंड टुडे आई एम यूजिंग रिकोड स्टूडियो प्रो का पैलेट, जिसमें है कलर करेक्टिंग, हाईलाइट एंड एज वेल एज कॉन्टूर। एंड आजकल बहुत सारे दाने निकल आ चुके हैं, उनको पता चल चुका है क्योंकि रहा भी बहुत सारे मेकअप वीडियोस करने वाले हैं, तो चले जाते हैं उसके चेहरे पे बैठ जाते हैं। बट फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट गोना, मतलब दाने आने की वजह से आई एम नॉट गोना स्टॉप माई सेल्फ लाइक डूइंग मेकअप। एंड बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एवरी वन इन द लाइफ टाइम एटलीस्ट वंस उनको एक्ने आते हैं, पिम्पल्स आते हैं एंड वो आके चले जाते हैं। इट्स टेम्पररी, यू जस्ट हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योर स्किन एंड वो जल्दी चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन। इसके सिर्फ 2 पम्प्स इज इनफ एंड द शेड टुडे आई एम यूजिंग इज 120 क्लासिक आइवोरी। आप चाहे तो मेरे शेड से आसपास भी लेके शेड यूज़ कर सकते हैं, मतलब ख़रीद सकते हैं। सो टुडे आई एम गोना यूज़ मेबलिन का 24 आवर मैट फाउंडेशन एंड इट इज़ फ्रेग्रेंसलेस, बिल्कुल भी इसकी खुशबू या कुछ ऐसा कुछ नहीं आता है। एंड इट इज़ अ फुल कवरेज फाउंडेशन, बहुत ईजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज ये मैट होने की वजह से यू हैव टू फटाफट हाथ चलाना होता है, नहीं तो फिर ये ड्राई हो जाएगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ गर्ल यूजिंग मेबलिन प्रोडक्ट्स बिकॉज इट्स ईजी टू गेट एंड अफोर्डेबल। आई रिमेंबर मैं भी अपने कॉलेज टाइम में सारे ही प्रोडक्ट्स मेबलिन के ही यूज़ किया करती थी। इवन द कॉम्पैक, इवन द फाउंडेशन, मस्कारा, आई लाइनर, एवरी थिंग मेबलिन वॉज लाइक रियली इन ट्रेंड एट दैट टाइम एंड अभी भी है। सो आई रियली लाइक टू यूज़ मेबलिन। ठीक है, तो पूरे चेहरे पे मैं इसे अच्छे से ब्लेंड आउट करके आई विल बी राइट बैक। सो मैंने अपने गोल मटोल चेहरे पे अच्छे से ब्लेंड आउट कर चुकी हूँ। द फाउंडेशन इज़ अ मैट फाउंडेशन, बिल्कुल भी डिहाइड्रेटेड नहीं करता है। इट इज़ गुड फॉर ऑयली टू नॉर्मल स्किन, इन इवन इफ़ योर स्किन इज़ ड्राई स्किन आप भी यूज़ कर सकते हैं, इट विल गो विद इट वेरी वेल। ओके, सो अब बारी है कंसीलर की। सो फॉर माई कंसीलर टुडे अगेन मैं रिकोड का पैलेट यूज़ करूँगी एंड ये शेड यूज़ करूँगी फॉर कंसील। इट इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर। मेरी वॉइस को ज़रा माइंड मत कीजिएगा बिकॉज यू नो मैं बीमार जा रही हूँ, बीमार होते जा रही हूँ इसकी वजह से, सो डू नॉट माइंड। एनी वेज, तो मैं बता रही थी कि दिस इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर, बहुत अच्छा पैलेट है। एक ही पैलेट में आपको कंसीलर मिल जाएगा, करेक्टर मिल जाएगा एंड इवन कॉन्टोर भी मिल जाएगा। सो ग्रैब दिस पैलेट फ्रॉम नायका और फ्रॉम द ओन वेबसाइट, यू कैन ग्रैब दिस कंसीलर पैलेट। बहुत अच्छा पैलेट है, बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है स्किन में। एज यू कैन सी कितना हाई कवरेज दिख रहा है। ओके, आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू योर टाइप आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं कंसीलर। इट मे बी हाई एंड लो बजट वाला कोई सा भी कंसीलर आप यूज़ कर सकते हैं, बस आपकी टेक्निक राइट होनी चाहिए टू यूज़ दैट प्रोडक्ट। एंड मैंने देखा है बहुत सारे पेजेस है जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स सेल करती है। सो गाइज, यू कैन रीच आउट टू मी, आई कैन शो इट टू माई ऑडियंस एंड आई एम रियली गोना लव टू शो माई ऑडियंस, माई फॉलोअर्स योर पेज, सो यू कैन रीच आउट टू मी। नेक्स्ट आई एम गोना ब्लेंड इस अच्छे से। आप चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट्स ले लीजिए, सस्ता ले लीजिए, महंगा ले लीजिए, बट आपको टेक्निक आनी चाहिए हाउ टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। सो टेक्निक से याद आया, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस।
ओके सो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्निंग प्रोफेशनल मेकअप और सेल्फ मेकअप यू कैन जॉइन. दिस इज़ द नंबर गिवन बिलो. आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए एंड आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स एंड आप मेरे साथ सीखिएगा. अब मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ वरना ये सूख जाएगा और पैची हो जाएगा. अब ये सेम कंसीलर अभी जो कि अभी इस स्पंज पे लगा है आई विल यूज़ इट ऑन माई अपर लिड्स. मैं वहाँ पे ब्लेंड कर दूँगी इसे कुछ इस तरह से. अगर आप मुझे देखते आ रहे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग आई रियली लव ब्लश. मुझे ब्लश यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है. सो टुडे आई एम गोना यूज़ लव अर्थ का क्रीम ब्लश इन द शेड बी द चेंज. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये क्रीमी ब्रश है. यू कैन यूज़ इट ऑन लिप्स लिड्स एंड एज वेल एज ऑन योर चीक्स. तो मैं आज भर भर के लगाऊंगी ब्लश बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एम सो ऑब्सेस्ड विद ब्लश एंड टुडे आई एम गोना यूज़ द ब्लश इन कश्मीरी स्टाइल. जो यूँ करके यू जाता है उसे कश्मीरी स्टाइल ऑफ ब्लश कहते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाना ब्लश. चाहे कोई कुछ भी कहे कि कुछ ज़्यादा हो चुका है ब्लश, कार्टून लग रही हो, क्लाउन लग रही हो, आई डोंट केयर बिकॉज आई लव. सो मैं भर भर के अपने गलों पे ब्लश लगाऊंगी ताकि सब लोगों को लगे कि मैं रोज़ाना भर भर के सेब खाती हूँ जबकि मैं नहीं खाती हूँ. पर ऐसे लगाने की वजह से उन सबको गलतफहमी हो जाएगी कि मैं भर भर के रोज़ाना सेबें खाती हूँ, स्ट्रॉबेरियाँ खाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे गाल रेड है, बहुत प्यारे लगते हैं. एंड ऐसे ब्लश लगाने की वजह से आप बहुत ही यंग यूथ लगने लगते हैं. जस्ट ट्राइड. ओके सो आई एम जस्ट गोना ब्लेंड दिस आउट एंड आई विल कम बैक. ओके सो अब मैं अपने आईब्राउज फिल इन करूँगी. फॉर दैट टुडे आई एम गोना यूज पैक का क्रीम ब्राउ इन द शेड क्यूबन एक्सप्रेसो 01. सो मिरर लेना पड़ेगा मुझे. सो हल्के हल्के से आई एम जस्ट गोना डिफाइन माय ब्राउज एंड द ब्रश. जो अ ब्रश आई एम टुडे यूजिंग दिस आर बाय द ड्रग स्टोर कंपनी. आई एल मेंशन द इंस्टाग्राम पेज सो यू कैन चेक आउट. एंड अब हम ब्राउज फिल इन करेंगे अच्छी तरह से एंड बिल्कुल समान एक जैसे करेंगे, ना कि एक बड़ा ना नीचे ऐसा कुछ. बिल्कुल समान करेंगे, इक्वल लगना चाहिए बिकॉज ब्राउ से ही आपका फेस एनहांस होता है, आपकी लुक बिल्कुल ही चेंज कर देता है जस्ट विथ जस्ट मेकिंग द परफेक्ट ब्राउज. ओके सो मैंने दोनों आईब्रोज भवे भर चुकी हूँ. सो फॉर द आईज टुडे आई एम गोना यूज मॉर्फी का जैकलिन हिल पैलेट. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस पैलेट. बहुत मैंने इसके बारे में सुना है एंड टुडे फाइनली आई एम गोना यूज इट. सो दिस आर ऑल द शेड्स. बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पिगमेंटेड है एंड ये मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है, किसी ने भेजा नहीं है. प्लीज़ आप भी भेज सकते हो मुझे, मैंने कभी मना नहीं किया है. सो खुद के खून पसीने की मेहनत की कमाई से मैंने ये पैलेट ख़रीदा है एंड टुडे आई एम गोना यूज़ इट. इट्स रियली गुड, रियली गुड एंड आई हैव बाय आई थिंक आई मैंने इसे परचेज किया है फ्रॉम नाइका. सो आज मैं इसे यूज़ करूँगी एंड आई स्टार्ट विद ऑल द पर्पलिश शेड ओवर हियर एंड इसे यहाँ से मैं शुरू करूँगी. एंड ओके सो इन दिस पैलेट सबसे पहले मैं एक लाइट पिंक आई शेडो यूज़ करूँगी विच इज़ लॉली मामा एंड मैं इसे अपने क्रीज पे यूज़ करूँगी. एंड जो भी क्रीज लाइन आ चुकी है मैं उसे अपने हाथों से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वहाँ कोई भी क्रीज लाइन दिखे ना. एंड विल स्टार्ट विथ क्रीज अप्लाइंग द आई शेडो इन द क्रीज कुछ इस तरह से और बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है. आई विल बी नीडिंग अ मिरर राइट नाउ. ओके बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा दिख रहा है. एज यू कैन सी अच्छे तरह से ब्लेंड हो चुका है एंड इट्स नॉट लीविंग इट्स ओरिजिनल कलर अप्लाई होने के बाद. इट्स एग्जैक्टली. तो इसे खूब अच्छी तरह से मैं अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड करूँगी. अगेन आई एम यूजिंग द ब्रशेज दोज आर फ्रॉम ड्रग स्टोर कंपनी. मैं उनका इंस्टाग्राम पेज ऐड कर दूँगी सो यू कैन जस्ट चेक आउट. एंड द पैलेट
का कलर बहुत अच्छा है, एज यू कैन सी बहुत पिगमेंटेड है, इट्स लुकिंग रियली प्रिटी, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स ये सारे मैंने ख़रीदे हैं। इफ़ मुझे किसने भेजा है तो मैं बोलूँगी किसने भेजा है, इफ़ मुझे मैंने खुद ख़रीदा है तो मैं कहूँगी मैंने खुद ख़रीदा है। सो जो भी मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है दोज आर नॉन स्पॉन्सर, ये जो सारे मुझे पसंद है ये मैंने खुद ख़रीदे हैं एंड बहुत अच्छे हैं, इट्स वर्थ इट। ओके, फ्रॉम द सेम पैलेट आई विल बी ग्रैबिंग दिस पर्पल एंड वो मैं अपने लिड्स पे लगाऊंगी, राइट बिनीथ द पिंक, कुछ इस तरह से। एंड आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इट इज़ ब्लेंडिंग मेरी आँखों पे एंड आई एम लविंग इट, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है एंड द कलर इज सो पिगमेंटेड, लेस इज मोर एज यू कैन सी, मैं बिल्कुल थोड़ा यूज़ कर रही हूँ एंड अच्छे से मेरे स्किन के अंदर मेरी आँखों पे वो ब्लेंड हो रहा है एंड आई एम लविंग इट। अब मैं इन दोनों आँखों पे ब्लेंड करके वो सेम शेड आई विल बी राइट बैक। ओके, सो आई एम डन विद द पर्पल आई शेडो ऑन बोथ द लीड, सो नेक्स्ट आई एम गोना ग्रैब अ ब्लू आई शेडो जो कि मुझे इस पैलेट में नहीं नज़र आ रहा है द ब्लू आई शेडो, सो मैं किसी और पैलेट से वो ले लेती हूँ एंड आई अप्लाई ब्लू आई शेडो ऑन द लीड्स। ओके, सो अब मैं ब्लू ऐड करूंगी ऑन माय लिड्स, ये होलोग्राफिक न्यूड ब्लू है एंड आज मेरा दिल था कुछ रंग बिरंगा बटरफ्लाई लगू, मैं आज एक बटरफ्लाई बन के किसी के दिल में एकदम से एंट्री कर जानी है मुझे आज इन आँखों से, ऐसे 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 तितलियाँ जैसे कैसे अपने पंख फड़फड़ाती है वैसे मैं आज किसी के दिल में बस जाऊँगी इससे मेरी आंखों से ऐसे ऐसे फड़फड़ा के, क्योंकि आई एम जस्ट बोर रोज़ रोज़ न्यूड न्यूड कर करके, सो आज मुझे कुछ कलरफुल करना था, सो आई एम हैप्पी हाउ इट ऑल टर्न आउट टू बी एंड व्हेन इट कम्स टू द आई शेडो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एट द एंड बहुत अच्छा लगेगा, एवरीथिंग विल गो विद इट। ओके, सो इन माई नेक्स्ट स्टेप मैं एक पर्पल शिमा आई शेडो लगाऊंगी विद दिस फ्लैट ब्रश, दिस इज द ब्रश इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, सो ये पर्पलिश आई शेडो मैं अपने लिड्स पे लगाऊंगी, बहुत प्रीटी लग रहा है, आई एम लविंग इट हाउ इट पॉप आउट, बहुत अच्छा लग रहा है, एज यू कैन सी द डिफरेंस आई एम लविंग इट, थोड़ा और इस तरह से एंड अभी यही सेम आई शेडो नेक्स्ट दूसरी आईज पे भी लगाऊंगी विद द सेम ब्रश फ्लैट ब्रश, सो यू हैव टू यूज द फ्लैट ब्रश while using the shimmer eyeshadows. Okay, it's looking pretty. Okay, so in next step I'm gonna create this perfect black wing I have created at a one side. अब मैं दूसरी साइड भी वैसे विंग का क्रिएट करूँगी, एकदम से मेरी सांस रोक के विंग क्रिएट करना पड़ता है, यू कैन नॉट ब्रीद वाइल अप्लाइंग आई लाइनर, ओके सो वी आर नाउ डन विद द विंग्स एंड द आईज आर लुकिंग सो गुड सो प्रिटी एंड यू कैन डू दिस लुक ऑन योर संगीत या फिर आप अपने मेहंदी पे भी कर सकते हैं, यू कैन टेल योर मेकअप आर्टिस्ट टू रिक्रिएट दिस लुक एंड शील डू इट फॉर यू, या फिर एक काम कर सकते हैं आप, यू कैन हायर मी एज योर मेकअप आर्टिस्ट एंड मैं आप पे ये लुक क्रिएट करूँगी एंड बहुत प्यारा लगेगा, अच्छा आइडिया है ना, बड़े से। ओके, सो वी आर डन विद द आई मेकअप, सो आई हैव अप्लाइड आई लैशेज एंड बॉटम लाइन पे मैंने आई शेडो भी अप्लाई कर चुकी हूँ एंड द नेक्स्ट स्टेप मुझे थोड़ा और ब्लश लगाना है बिकॉज मुझे ब्लश बहुत कम दिख रहा है, सो टुडे आई एम गोना यूज बी एच कॉस्मेटिक्स का मिसेस बेला रोजी ब्लश पैलेट, इट इज़ अ ट्रायो पैलेट जो कि कुछ इस तरह से आता है एंड आई एम लविंग द कलर्स, इसको क्या हो गया, सो आई एम गोना पिक अप दिस ब्लश, मैं मिक्स एंड मैच करूँगी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है मिक्स एंड मैच ब्लश अप्लाई करना, सो आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माई चिक्स एंड मैं कुछ ज़्यादा फटाफट कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू गेट बोर्ड बिकॉज कब से आप मेरा वीडियो देखे जा रहे हो, सो मैं इसे ऑफ कैमरा ब्लैक करके आई विल बी बैक। ओके, सो आई एम डन विद द ब्लश, सो तो अब मैं यूज करूँगी मेकअप फिक्सर, दिस इज़ बाय फेसेस कैनेडा,
ये आपके स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है, मेकअप को इंटैक्ट रखता है एंड इट इज़ नॉन स्टिकी फॉर्मूला, मेकअप को डिवी रखता है एंड मैट लुक भी देता है। आई जस्ट लव इट। सो नाउ आई एम गोना अप्लाई हाइलाइटर। सो आज फॉर द हाइलाइटर आई एम गोना यूज मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट एंड उसमें से आई एम गोना यूज एस्पायर दिस शेड फॉर हाइलाइटिंग माई चिक बोन्स। ब्यूटिफुल, एज यू कैन सी बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहा है। आई एम गोना हाईलाइट माई हाई पॉइंट, थोड़ा सा यहाँ मिडल ऑफ द फोरहेड, थोड़ा सा नोज, क्यूपिड बो एंड चिन। ओके, सो एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी आउटलाइन माई लिप। फॉर द लिपस्टिक टुडे आई एम गोना यूज मेकअप रेवोल्यूशन की लिपस्टिक इन द शेड रोजी। इट्स काइंड ऑफ पीची न्यूड लिपस्टिक एज यू कैन सी। सो ये अब मैं अपने होठों पे लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ ए ब्रश एंड इट लुक्स स्टनिंग। ओके, सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ दिस मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप आप सभी को दिस कलरफुल मेकअप लुक अच्छा लगा होगा एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है इन दिस मेकअप वीडियो, विच पार्ट इज़ योर फेवरेट, बिकॉज माई पर्सनल फेवरेट इज़ दिस आई शेडो पैलेट एंड दिस लिपस्टिक। इट लुक्स स्टनिंग एंड आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा।